सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। और आज है देव उठनी एकादशी, तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्याम बाबा आप सब पर कृपा बना के रखे, और राधा रानी और कृष्ण भगवान की कृपा भी आप सभी पर बनी रहे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लॉग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। और दिखाती हूँ आपको, मैंने पूजा वूजा सब कर ली है, कथा वथा भी पढ़ ली है। तो कुछ मैंने कन्हैया मित्तल के जो है भजन चला रखे हैं श्री श्याम प्यारे के, खाटू श्याम जी के। तो सुनाती हूँ जो है पलकों का घर तैयार सावरे, मेरा फेवरेट है और बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो कमेंट में लिख सकते हैं आप राधे राधे जय श्री श्याम। ये देखिए मेरा काना भी बैठा है, राधे राधे आप सभी को जय श्री श्याम, एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देख लो भजन सुन, श्री श्याम बाबा इनके शिष्य हैं, ये गुरु हैं, तो अपने शिष्य के भजन सुन रहे हैं। क्योंकि श्याम बाबा तो अपना गुरु इन्हीं को ही बना कर रखा है उन्होंने शुरू से, तो यही गुरु हैं। काना के लिए बहुत सारी चीजें आई है, चॉकलेट जेली बेली खाएंगे अभी। मेरी आपके लिए भी है, मेरे के लिए है, डॉल के लिए है, टीओ के लिए है और काना के लिए है। बच्चे रेडी हैं बिल्कुल, टी फिनिश करने वाले हैं, डॉल भी रेडी है, बैग बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, वैन आने ही वाली है जस्ट। ये चला रखा था राधे राधे दीदी, राधे राधे, राधे राधे काना। ले चले इसे 500 बनाए चल रहा। हाँ की भी नहीं बना रही वैसे, नहीं ज्यादा की
गया था। किया 8 बजे हम सब उठ गए, बच्चों के डैडी यहाँ पर हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, मैया डैडी के पास चलो। क्या चाहिए? हाँ अभी होगा, हटो हटो पियो। तो गाड़ी खड़ी है बाहर हमारी, और देखिए इस तरीके का होटल था ये। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर और खड़े हैं यहाँ होटल के बाहर ही अपने। ये लोग चाय पियेंगे, मैं कॉफ़ी पीऊँगी, मुझे गाड़ी में कॉफ़ी भी पीती हूँ मैं। तो उसका हम कॉफ़ी पीएंगे एकदम, तो
नाम होगा जिसमें देखिए यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है, तो प्रसाद खाएंगे वाले के हम आज आए और हमें यहाँ का प्रसाद खाने का मौका मिल रहा है। देखिए अभी हम लोग खा रहे हैं कड़ी चावल, आप भी आइए और आकर तो अपने तो उसको होने लग गया था। ये भोग है श्री काके बिहारी जी का। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और ये हो रही है गोवर्धन की परिक्रमा, जो कि हमने रात को ही कर दी कंप्लीट। और अभी देखिए सब दिन में परिक्रमा कर रहे हैं। जितने ढोल से छोटे भी बैठते रहो चलते रहो, दिन में निकलो सर्दियों में, गर्मी में शाम में। तो आप सर्दियों में दिन में कर सकते हैं यात्रा और गर्मियों में आप शाम को 6 बजे से यात्रा शुरू कर दो, क्योंकि गर्मी में जो है तेज धूप रहती है। फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, और मैंने आपके साथ अपनी गोवर्धन की भी कुछ परिक्रमा वाली ब्लॉग सेंड की है, क्योंकि मैं वो थोड़ी थोड़ी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुंबई की भी ब्लॉग है जो मेरी सिस्टर ने भेजी है मुझे, है ना, और मेरठ में बच्चों ने स्कूल में उनके प्रोग्राम हुआ था वो ब्लॉग भी है। तो सारी ब्लॉग्स सब जगह के इंजॉय कीजिए आप, और मेरे खुद के घर की भी ब्लॉग्स है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ की भी ब्लॉग है। तो चलिए सभी ब्लॉग देखिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।